तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल नकुल प्रॉपर्टी में। तो एक बार फिर आज मैं अपने दर्शकों को लेकर आया हूँ सूरजपुर की लोकेशन पे। देखिए, आपको एक सिंपल फंडा समझा दूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में, माफ़ी चाहूँगा इस तरीके की भाषा यूज़ करने के लिए। देखिए क्या है, अगर आप शोरूम में जाते हैं कोई शर्ट ख़रीदने के लिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, शोरूम के अंदर एक 200 रुपये की शर्ट होती है, एक 2000 रुपये की शर्ट होती है। डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी पसंद करते हो, 200 वाली या 2000 वाली। उसी तरीके से बात करूं मैं सूरजपुर की प्रॉपर्टी की, लोग तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं सूरजपुर में, भाई इतने सस्ते रेट है, इतने महंगे रेट है। सूरजपुर में आपको 2 लाख रुपये पर गज के रेट से लगाकर 15,000 रुपये गज तक की ज़मीन मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको 100 गज का प्लॉट आपको 15 लाख में भी यहाँ पर दिला सकता हूँ, आपका 100 गज का प्लॉट 20 लाख में भी आपको यहाँ पर दिला सकता हूँ। तो जो यहाँ पर सूरजपुर में जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो है आपका एज पर लोकेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, आपका जो महामेगा वाली गली है, विशाल, जो लोग सूरजपुर को जानते हैं, विशाल मेगा मार्ट के पास से, घंटा चौक के पास से, यामा कंपनी से बिल्कुल लगी हुई कॉलोनी गोकुल धाम में, 70 गज का ये मकान मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख लीजिए। जिसका जो डायमेंशन बता देता हूँ थोड़ी सी, 14 फीट का आपका फ्रंट होगा, वो 45 फीट की आपकी गहराई होगी, जिसके अंदर आपका, चलिए वीडियो में वो मैं अभी रूम दिखा दूंगा, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। और मेरे पास अगली वीडियो में आप देखेंगे सूरजपुर में 100 गज का मकान है, जिसके अंदर 5 कमरे बने हुए हैं, मात्र 30 लाख में मैं आपको दिला दूंगा। तो इतना सस्ता क्यों है, आप समझ सकते क्यों है। और बाकी की जो चीज़ें हैं, चलिए वीडियो में मैं आगे बढ़ता हुआ आपको बता ही देता हूँ। सूरजपुर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको देखिए गौतम बुद्ध नगर, जो गौतम बुद्ध नगर है, जिसके अंदर ग्रेटर नोएडा आपका आता है, वो जाना जाता सूरजपुर के लिए ही। अगर आप लोकेशन सर्च करोगे तो गौतम बुद्ध नगर की जो लोकेशन है वो सूरजपुर में ही फाइंड आउट होती है, क्योंकि DM कार्यालय, ऑफिस, कोर्ट कचहरी और आपके जितने भी सरकारी दफ्तर है सब आपको सूरजपुर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। सूरजपुर पुराने कस्बों, मुगले आजम के ज़माने से सूरजपुर भारत के अंदर स्थित है। तो उसी लोकेशन पे मैं आपको लेकर आया हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपका प्रॉपर्टी में, वो लोग सूरजपुर जैसी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। जो अपना 50 गज या 100 गज का आप यहाँ पर प्लॉट लीजिए, रेट तो उसके बड़े बढ़ेंगे, उसमें 3 या 4 मंजिल अपना मकान बनाइए और 100 गज के प्लॉट पर आपका 50,000 रुपये मंथली इनकम आती रहेगी। चलिए वीडियो में देख लेते हैं 70 गज का मकान, 100 गज का मकान मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो मात्र 30 लाख रुपए में मेरे पास है। तो 70 गज का ये मकान आप देख रहे हैं, 1.5 मंजिल बना हुआ, जिसका ये फ्रंट आपको 14 फिट और इसकी जो डेप्थ है 35 फिट। इस तरीके से कई फ्रंट रोड है 18 फिट का, RCC रोड। तो चलिए अंदर मकान में लिए चलता हूँ। स्टार्टिंग में आपका ये यहाँ पर मीटर लगा हुआ है लाइटिंग के लिए, रूफ़ वगैरह पर अच्छी डिजाइनिंग के साथ वर्क हो रखा है। तो ये आपका यहाँ पर लाइटिंग हो गया इधर, और ये स्टेयर ऊपर की मंजिल पे जाने के लिए बाहर से बाहर दिया है। तो उसकी मैं बात करूं, अंदर चलिए लिए चलता हूं। ये फर्स्ट आपका बेडरूम आप देख सकते हैं, फर्स्ट बेडरूम, ये इसकी रूफ दिखी डिजाइनिंग, ये कलर इस तरीके से यहाँ पर हो रखा है मकान में। तो ये आपका एक बेडरूम। तो बात करें इसमें जो ये 70 गज का जो मकान है, ये एक बेडरूम के साथ बीच में मिडिल में इसमें ये यहाँ पर किचन अच्छा खासा लंबी डायमेंशन से, लंबी छोटी डायमेंशन के साथ ये किचन का स्पेस है बीच में। तो ये आप किचन देख सकते हैं, यहाँ पर अपना RO लगाइए, ये RO के लिए स्पेस हो गया, ये किचन है आपका। और इस तरफ आप अपना मंदिर का भी यहाँ पर एरिया, ये मंदिर के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिर दूसरा रूम इस किचन के पीछे की तरफ ये आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये एक रूम आपका दूसरा बेडरूम है, ये आपका किचन हो गया, ये किचन, किचन के साथ आपका ये दूसरा बेडरूम आप देखिए, इसमें भी अच्छा रूफ वर्क वगैरह आप देख सकते हैं किस तरीके का हो रखा है। एक फैमिली के लिए बड़ा कंफर्टेबल मकान है 70 गज में, एक फैमिली अपना इजीली लाइफ यहाँ पर, और ये आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला स्पेस वॉशिंग मशीन के लिए ये, और इसका जो दिया हुआ है ये सेकंड, इसका वॉशरूम
शॉवर वगैरह इसमें सब कुछ लगे हैं। ये आपका वॉशरूम हो गया, चलिए मैं ऊपर का फ्लोर दिखा देता हूँ और इसके साथ ही आपको ये कॉलोनी आपका थोड़ी दिखा देता हूँ कि किस तरीके की। ये चलिए ऊपर देख लेते हैं, डेढ़ मंजिल का इस मकान को, ये ऊपर में क्या आपको मिलेगा। ये यहाँ पर स्टोर रूम हो गया आपका, स्टेयर के ऊपर ही स्टोर रूम आपका, यहाँ पर स्टेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा रूम, देखिए पिलर इसमें लगे हुए हैं, बस आपको 1500 ईंटें लाकर ये दीवारें ऊपर करानी है और अपना लेंटर डालना है, तो दूसरा आपका फ्लोर बन के रेडी हो जाएगा। एक रूम आपका ये ऊपर के फ्लोर पे, इसमें ही आप देखेंगे गाटर पट और सिल्ली जो पड़ी हुई है, इसलिए कि आप अगर इसका लेआउट सेकंड फ्लोर का अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो इसको तोड़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेंटर को कि रूफ तोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है इसका। ये यहाँ पर वॉशरूम, लेट्रिन, अच्छा खासा स्पेस दिया है वॉशरूम के लिए भी। तो ये सेकंड रूम आपका रेडी है, डेढ़ मंजिल का ये मकान है। और चलिए इसकी मैं लोकलिटी आप देख लीजिए इधर से पहले, लेकिन जो कॉलोनी गोकुलधाम की बात करूँ, इसमें पर्सनल मंदिर, सिक्योरिटी गार्ड, इसमें पर्सनल मंदिर, सिक्योरिटी गार्ड और आपका ये गेट है कॉलोनी का, और सारी फैमिलीज वेल एजुकेटेड हैं यहाँ पर। चलो दिखा देता हूँ कॉलोनी थोड़ी। तो ये रोड आपका 20 फुट का, तो बात करें इसकी, देखिए लोकलिटी में बस ये इतनी ही बड़ी आपका गोकुलधाम है, ज़्यादा बड़ा इसमें ज़्यादा मकान नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 50 फैमिली यहाँ पर रहती है। वो कॉर्नर पर मंदिर, कम्युनिटी सेंटर, और ये आपका मकान आप देख कर आए हैं, और ये आप देख सकते हैं लोकलिटी कि किस तरीके के लोग आपके जो पड़ोसी होंगे किस तरीके के होंगे। वो बात करें इसकी, देखिए सिक्योरिटी रूम की, ये इसका सिक्योरिटी रूम है, रात में साथ साथ यहाँ सिक्योरिटी होती है, और ये आपका बंद गोकुलधाम का गेट यहाँ पर क्लोज होता है। ये आपका गोकुलधाम, इस मकान की जो कीमत है वो 30 लाख है, 30 लाख में आप इस मकान को खरीद सकते हैं।